खबर है रीवा से, जहां शहर के गुरुकुल विद्यालय प्रबंधन की बड़ी लापरवाही के कारण स्कूल में ही कार्यरत कर्मचारी की मौत हो गई है। आरोप है कि स्कूल में स्टोर कीपर के रूप में पदस्थ कर्मचारी से प्रबंधन द्वारा जबरन विद्युत सुधार का कार्य कराया जा रहा था, जिसके दौरान करंट की चपेट में आने से कर्मचारी की मौत हो गई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि स्कूल प्रबंधन हादसे के बाद सबको अस्पताल पहुंचाने तक की जहमत नहीं उठाई और 2 घंटे तक लावारिस हालत में वह स्कूल परिसर में ही पड़ा रहा, जिसके बाद मृतक की पत्नी मौके पर पहुंची और पति को अस्पताल लेकर गई, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दरअसल यह घटना बुधवार की शाम शहर के चौराहा थाना स्थित गुरुकुल स्कूल परिसर में हुई। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक रीवा धोबिया टंकी निवासी इरशाद अहमद उर्फ राजू गुरुकुल स्कूल में बीते 20 सालों से स्टोर कीपर के रूप में पदस्थ थे। यहां मृतक राजू और उनका परिवार स्कूल परिसर में ही निवास करता था, जहां प्रबंधन द्वारा विद्यालय में स्टोर के अलावा उनसे कई अलग अलग काम कराए जाते थे। बताया गया कि बुधवार को लगातार हो रही बारिश के बीच विद्युत सुधार करने के लिए राजू को भेजा गया, जहां बिना सुरक्षा उपकरण के विद्युत सुरक्षा कार्य करते वक्त वह करंट की चपेट में आ गए। घटना के तकरीबन 2 घंटे तक जब मृतक वापस घर नहीं लौटे तो परिजनों ने उनकी खोजबीन शुरू कर दी, जिसके बाद वह अचेत हालत में पड़े मिले। पत्नी द्वारा उपचार के लिए अस्पताल लाया गया, जहाँ चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इधर कर्मचारी की मौत के बाद स्कूल प्रबंधन ने चुप्पी साध ली है और घटना को दबाने के प्रयास में जुटा रहा। परिजनों का आरोप है कि कर्मचारी राजू की मौत स्कूल प्रबंधन की लापरवाही के चलते हुई है और हादसे के बाद स्कूल प्रबंधन पीड़ित परिवार का सहयोग करने की बजाय मामले को दबाने में जुटा रहा। फिलहाल पीड़ित परिवार ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कार्यवाही सहित मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग की है। इधर मामले में पुलिस द्वारा पंचनामा कार्यवाही कर मर्ग कायम कर लिया गया है और पीएम के उपरांत मामले की जांच शुरू कर दी गई। भाई की मौत हुई है। कैसे? ये गुरुकुल स्कूल में सर्विस करते थे, वहाँ करंट लगने से उनकी मौत हुई। क्या काम करते थे स्कूल में? स्टोर कीपर का काम करते थे। और ये कैसे घटना कैसे हुई? ये जनरेटर रूम में जाके बिजली का कोई काम कर रहे थे, उसी समय करंट का प्रवाह से वो उनकी मौत हुई। उनको बिजली का काम आता था? बिजली का काम नहीं आता था। तो फिर क्यों करने गए? प्रबंधन ने करवा रहा था उनसे काम जबरदस्ती। जब नहीं काम आता तो क्यों करवा रहे? प्रबंधन वो क्या है, वो टीवी मैकेनिक थे तो उनको थोड़ा बहुत नॉलेज था, तो प्रबंधक उनको वो करवाता था। किसकी लापरवाही मानते हैं आप? स्कूल की लापरवाही। तो स्कूल प्रबंधन आया यहाँ? नहीं, मैं तो अभी तक किसी को नहीं देखा। स्कूल प्रबंधन की ओर से कोई आश्वासन दिया गया हो? नहीं, कोई कोई नहीं आया है। स्कूल है? स्कूल गुरुकुल स्कूल। ये कहाँ पर है? चौराहा में। कितने साल से नौकरी कर रहे थे? 16-17 साल हो गए। तो रहने वाले कहाँ के हैं? रहने वाले तो रीवा के हैं हम लोग प्रॉपर। और पापा वहाँ छत्तीसगढ़ में सर्विस करते थे, मनेंद्रगढ़ में। ये यही रहते थे गुरुकुल में? रहते गुरुकुल में ही रह के सेवा करते। उनको लेकर यहाँ कौन आया था अस्पताल? वो वहाँ से भाभी लेकर आई थी। स्कूल प्रबंधन की कोई नहीं आया। 2-3 पते नहीं कै घंटे से वहाँ पानी में पड़े रहे, बिजली के करंट लगने के लिए। कोई नहीं बताया? कोई नहीं बताया। भाभी खोजने गई तब देखी कि पड़े हैं तो जल्दी से लेके भागी है। तो कुल मिलाकर क्या मानते हैं आप, किसकी लापरवाही? ये स्कूल प्रबंधक की पूरी लापरवाही। क्या मांग है आप लोगों से? उचित कार्रवाई हो, इसके खिलाफ उचित मुआवजा दिया जाए। क्या नाम है मृतक का? इरशाद अहमद खान।